हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोल इंडिया ने दो नई सब्सिडरीज अपनी बनाई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया की अभी तक 8 सब्सिडरीज हैं, जिसमें से अगर 7 सब्सिडरी की बात की जाए, जैसे कि एनसीएल हो गई, सीसीएल हो गई, बीसीसीएल हो गई, एससीएल हो गई, ये सभी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज हैं। और इसके अलावा अगर हम सीएमपीडीआईएल, जो एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की, उसकी बात करें तो वो एक तरह से कंसल्टेंसी और एक्सप्लोरेशन वाली सब्सिडरी है। यानी कि कोल का एक्सप्लोरेशन अगर कहीं करना है या किसी सब्सिडरी को अपनी कंसल्टेंसी देनी है, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार करनी है, वो सब काम सीएमपीडीआईएल करती है। अब इसके अलावा जैसे आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया दूसरे बिजनेस में भी अपना अपना जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, दूसरे एरियाज में जा रहा है, जिसमें हो गया कोल गैसिफिकेशन एक एरिया हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो सीबीएम यानी कि कोल बेड मिथेन का एक एरिया हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यूरिया वाला एक एरिया हो गया, तो उन सब एरिया में जा रहा है। और कोल इंडिया इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में भी जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड कोल इंडिया ने अपनी दो नई सब्सिडरीज बनाई हैं, जो कि कंप्लीटली एक तरह से सोलर के एरिया में काम करेंगी, यानी सोलर एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में काम करेंगी। तो कोल इंडिया ने जो अपनी एग्जिस्टिंग कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज हैं उसके अलावा दो नई सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेट की हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कोल इंडिया ने जो दो नई सब्सिडरीज बनाई हैं उसमें से जो पहली सब्सिडरीज है उसका नाम है सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड। तो सीएल सोलर पीवी लिमिटेड का काम क्या होगा, ये एक तरह से जो एक तरह से हम देखते हैं सोलर प्लेट्स या जो सोलर पावर प्लांट अगर कहें, तो उसके लिए जो जो मटेरियल चाहिए उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ये सब्सिडरीज करने वाली है। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी सोलर वैल्यू चेन की, यानी कि इनगोट, वेफर, सेल मॉड्यूल, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में ये सब्सिडरी काम करने वाली है। फिर इसके अलावा अगर हम दूसरी सब्सिडरी की बात करें तो वो है सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, यानी ये सीआईएल की दूसरी सब्सिडरी होगी, जो कि सोलर एनर्जी का एक तरह से अगर हम कहें कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। यानी कि अब तक देखें तो कोल इंडिया क्या करता था, कोल का प्रोडक्शन करता था। तो अब जो इस सब्सिडरी से कोल इंडिया क्या करने वाला है, सोलर पावर का प्रोडक्शन करने वाला है, यानी सोलर पावर प्रोड्यूस करके उसको सप्लाई करने वाला है। तो ये कोल इंडिया की दूसरी सब्सिडरी होने वाली है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।